जी हाथ करो मैं हाथ मिला दियो वहां सच्ची मार दी फाट दे। हाँ मैं क्या घड़ी घड़ी में करवा सी नेकर भी सटा देने नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ नाट 11 के साथ। दोस्तों आज से एक साल पहले इसी घर में थे और उस टाइम हमने इंटरव्यू किया था प्रिंस जकेटिया का। आज उससे एक साल बाद उस टाइम हमारे साथ तीन बंदे बैठे थे, उनमें से दो आज फिर से हमारे साथ है, ठाकुर 3600 और अरुण भाई। एक साल पहले हमने इंटरव्यू किया था और हमने एक बात कही थी कि भी हाँ अरुण आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा नाम लेके आने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो शायरी थी उस टाइम बहुत ज़बरदस्त शायरी थी और एक बहुत ही नाइस काम कर रहे हैं। और आज एक साल बाद, लगभग एक साल हो गया है, और आज अरुण ने अपने को, अपनी शायरियों को और अपने अकाउंट को इस लायक बना लिया है कि मैं फिर से 150-200 किलोमीटर से चल के आया हूँ आज सिर्फ ही सिर्फ अरुण के लिए। तो अरुण भाई साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपको। जी राम राम। जी राम राम प्रिंस भाई साहब। राम राम भाई सारा ने। और ठाकुर, ठाकुर 3600, ठाकुर साहब राम राम। राम 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 भाई साहब राम राम। राम राम। तो भाइयों आज अपने अरुण भाई साहब को इंटरव्यू है और प्रिंस भाई साहब को अपना पहला इंटरव्यू अपनो आ चुके हैं और आप देख भी लियो होगा, और नहीं देखियो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, दोबारा देख लियो। आज अपने अरुण भाई साहब को इंटरव्यू है और देसी आर ट्रिपल सेवन का नाम अकाउंट है और करीबन 55,000 नो ज़्यादा आज फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर। बहुत भयंकर कॉमेडी बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी बनाई है, इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि बागड़ी बेल्ट के अंदर इतनी वायरल कॉमेडी अभी तक किसी की भी कोनी। तो आज अपने अरुण भाई साहब को इंटरव्यू, सारी बातें कराँगा, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू होना रहा है, जुड़े रहिएगा। सारों पहला तो अरुण भाई साहब आपने दोबारा ही नहीं अपना एड्रेस बता दियो प्रॉपर। नाम अरुण है मेरे भैया, तो देसी यार का नाम आईडी चाल है, 777.777 का नाम आईडी चाल है। और गांव सिद्धूवाड़ा, सुरतगढ़ शहर में गांव है मेरो, और जिलो श्रीगंगानगर राजस्थान के अंदर है। और आपने सिद्धूवाड़ो वही गांव है जो अपने प्रिंस जकेटिया को है, और तीनों भाई बहुत आज उस साल पहला भी सागे बैठे और आज भी सागे बैठे, भगवान दोस्ती है यहीं बनाए रखे। अच्छा अरुण भाई साहब, उस टाइम आप शायरी करिए, आज एक साल पहला जब आप इंटरव्यू लियो वे आपकी सीरियस ही शायरियाँ जो उस टाइम आपा करी, और उसके बाद में देखने मिलियो कि आपको अकाउंट है कॉमेडी टाइप में बदल गयो, वो इसके पीछे क्या कारण है? इनको कारण वो है कि जब मैं स्टार्टिंग में दोनों करी थी, तो सागी स्टार्टिंग ही शायरी स्टार्ट करी। हाँ। तो यार दोस्त अभी यहाँ पर मैंने बहुत समझाया कि तेरा रिएक्शन है मेन तो कॉमेडी के अंदर भी है, तो तू क्या इन अंदर मत हो ना मार। तो मैं क्यों भी देखा वो कहने की जिद हुआ है, तो मेरे मन में जिद ही भी नहीं यार, आप भी इन सागे चलेंगे, लेकिन वो कौन ही हो पाए, थोड़ा सा घर का हालात के कारण मैं बीच में रुक जा, तो इनको कंटिन्यू काम रहे हो तो वो मेरे आगे उड़ गयों, तो फिर मैं रुक गयो बीच में, लेकिन बिंग बाद में वो कह जो सिस्टम हो जाए धीरे धीरे, तो घूम फिर के आनो तो भट्ठी पड़े, तो मैं आ गयो फिर बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी पहली जो शायरी ही बा अपने किस टाइप की किया वायरल हुई, और ज्यादातर एक बात बताऊं भाइयों, तने एक बात बता दियो कि मैं अभी अपने पाली वाला हूँ आयो सिद्धू वाले तई, तो मैं जिस बस के अंदर बैठे हो और जिस सीट पर बैठे हो उसी सीट पर अपने अरुण का पिताजी मेरे सागे बैठा, तो थोड़ी बातचीत वांग सागे भी हुई, वो भी बीच में इंसिडेंट शेयर करांगा। अपा अपनी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई अपने अरुण भाई साहब? मेरी पहली वीडियो वायरल हुई धमकी। हाँ। धमकी वाली। हाँ। बाद यहाँ अपलोड कर पे भी हूँ, पहला भी दो तीन वीडियो मैं बिम पर अपलोड कर चुके हूँ। हाँ। लेकिन बिंग और रिस्पांस को नहीं है खास है। तो मैं वो अकाउंट छोड़ रखे एक बार। हाँ। मैं भी शायरी पर बिम पर चलता हूँ दूसरे पर, तो धमकी वीडियो अपलोड कर गए मैं, दो दिन तक अकाउंट ही कौन खोल। हाँ। हाँ। बेट आए मेरा 76 फ्लोर था, ओनली फॉर 76 फ्लोर। मैं धमकी वीडियो वायरल करके दो दिन तक कपड़ा की दुकान पर लगे डो सूरतगढ़, तो बात छोड़ गए और मतलब अपलोड कर दी, दो दिन तक मैं अकाउंट ही कौन चेक। दो दिन बाद मैं चेक करो तो मेरा 800 फ्लोर्स आया सीधा। हां 76 800। हां फिर मेरा थोड़ा सा अंदर हूं। हां मोटिवेट हो क्या बात। फिर मैं जाके मतलब स्टार्ट ही कर दियो काम, फिर आ भी क्यों की होने अभी प्रचार में दे। मैं सुनियो अपना अरुण भाई साहब जो धमकी जो वीडियो ही, पहला तो वह अपना बताई दियो के टाइप की के वीडियो ही, फिर उसके पीछे जो इंसिडेंट सुनी उसकी बात करूंगा, जो शायरी तरीकों बनाई गई। हां बा बा आनंद जो पहली वीडियो वायरल हुई बाई इस प्रकार ही थोड़ी सी। क्या मान ले मेरी बात है मैं जे भी जा सकूँ। हाँ। क्या मान ले मेरी बात है मैं जे भी जा सकूँ, लोग तो रात नहीं दिखावा मैं तेन दिन में भी तारा दिखा सकूँ। भाई चारों रोड़ो सलटा हो तो सलटा ले प्रधान है। हाँ। नहीं तो मैं तेरे बजे आ सकूँ। क्या बात है बहुत ज़बरदस्त भाई साहब। और अरुण भाई साहब आप पहली वीडियो ही जो अरुण भाई साहब की जो वायरल हुई, अच्छा मैं सुनी इसके पीछे एक रियल इंसिडेंट हो वो आपके साथ ही हुई होगी। बाई प्रकार ही के भाई हो मेरा चाचा के लड़को है, तो बिंकन कोई मतलब यार दोस्ती
है लेकिन जहाँ दे पैसा दे दिया बाद में पैसा के चक्कर में अनबन हो बुकरा भाई बात है तो बिन पैसा दे दिया वो पहला मेरे कहना कि भाई तेरा भाई है तो इन्हें समझा यार मेरा पैसा दे दे टाइम सर मैं इन्हें प्यारों समझा दियो अब मैं मेरे तरीकों समझाऊंगा मैं कभी एक बार मैं समझा दूँ फिर तू जी तेरा जी करे बियाँ कर ले तो बिन टाइम फिर मैं वो मेरे कहना आयो शाम ने वो आयो भी घर गाक करूँ मैं क्यों भी तू भी घर गाक करू ना कर वो तन मारा को ना वो कह मैं तो चौही हूँ वो मेरे थप्पड़ मार दिया मैं तो बानो बाड़ू हर बात में पीसा ना देना पड़ा तो फिर अब्बा मेरे दिमाग में फिर मैं शायरी कर दी क्या बात है देख लियो दिमाग देख लियो भैया थे अपने के हिसाब भी लगा हुआ है पर ना चलो ठीक है कॉमेडी भी बन गई वायरल भी होगी बढ़िया काम भी चालियो फिर पीसा दिया है कौन दिया पैसा तो अब वो बन जाना है दे दिया साहित लेकिन बाद में बात हो वो का चलो कोई बात नहीं यार जो भी आप भाई बहन बात होगी अच्छा प्रिंस भाई साहब अपना काम किया चलने लगा अपना काम बढ़िया है ये ऑडियंस प्यार बनाए रखा है और जल्दी अभी नहीं हो एक मंथ का मामा प्रोजेक्ट आने लग रहे हैं तो सारा भाई ये प्यार बनाए रखो और ये अरुण भाई साहब प्यार बनाए रखो किस टाइप का प्रोजेक्ट है थोड़ी सी डिटेल प्रोजेक्ट जहाँ की अब सारा ही कोई कल्चर पर लेके आने लग रहे हैं अपनों सारो मिक्स ही है हाँ सॉन्ग आने लग रहे हैं उम्मीद आ रही है एक मंथ का मामा आ जाएगा हाँ जी हाँ अरुण भाई साहब एक बात बताओ जी हाँ थारे चेहरों कवा के कॉमेडी टाइप लागो थे कॉमेडी बनाई करो प्रिंस भाई साहब आपने थोड़ा सीरियस है और मतलब आपका हिसाब बना हुआ है आ साहब ने देखी के लगे हाँ साहब देख लियो आप देख लियो आप देख लेते हैं शरीर दे के बंदो पहले ही कह दिया आप बात तो मैं काल पर चूं वो हो प्रोग्राम बठे भी मेन के हो मैं क्यों मतलब बड़ा बाउंसर तो होना चाहिए इनके ओ मान्यो को नहीं तो इनके हो लेकिन होगा चलो कोई नहीं देखा लेकिन फिर वो सिस्टम भाई तो भाई हो फिर नदी साहब मैंने देखा अभी आगे जाकर प्रोग्राम तो इन बाउंसर में ले जाऊंगा लेके जावा नहीं अपना शायरी शायरी किसी की है नहीं शायरी भी बहुत बढ़िया बोला है और शायरी यहाँ कौन भी फीलिंग आ रही और अगर प्यार लो मेरे जमेर जाए नहीं तो ये लग गए कौन ये लगे धक्का खिलाई डो यार अगर वो जब हाँ और भी साहब की लाइन थोड़ी सी एटीट्यूड वाली भी मैं जच्चा हो हाँ मैं रोलिंग हूँ भी मैं ठीक है अरुण भाई साहब उम्मीद करा कि आज वो साल पहला प्रिंस भाई साहब को इंटरव्यू करने खातर आया साल बाद में आपको करना और अगले दो तीन महीना के अंदर ही अपना ठाकर साहब को जरूर इंटरव्यू करना आया और नाम भी थाने बेरो ये भाई साहब ठाकुर 3600 के नाम है सही मैं और अबंधन देख के भी यही लगे हाँ 3600 ही है पूरा जोर मारा है नी पूरा जोर मारा है तो अपने ठाकुर साहब आपने भी बता दियो अकाउंट किशोक चाल में ला रहे के कुछ काम धंधा लाग रहा है वो अकाउंट मतलब दिखने में कौन लाग रहा अकाउंट बस थोड़ा खेतीबाड़ी में ला रहे हैं बस थोड़ा टाइम कौन मिला है पर थोड़ा कम ही फोकस होने ला रहे हैं पर और अब फोकस फुल करांगा अब क्योंकि फ्री हाँ तो अकाउंट ना ग्रोथ ही करांगा फुल चीज मेरे फील होगी वो अपने वीडियो बहुत भयंकर चाली भाई साहब भी बिल्कुल सेम बोलिया फ्री हाँ मार तीन वांग याद आ गई बात चीज तो भाई यहाँ ही वीडियो कोई भाई को जो रिश्त आयो तो रिश्तो आयो तो मैं घरे बैठे हो चाय पियो बेका भी छोरा को रिश्तो आ रहे है तो क्या यार तू इन्हें समझा क्योंकि बे मेरा लेवल जाना है भी हाँ ठीक हो वीडियो बनाया है क्योंकि बे समझे बंदे बाद में बेका भी हमारे छोरा रिश्तो आ गयो यार ए वो के है बेलो फिर इनको काम बताया यार बेके के सी बेके छोरो तो फ्री भी रहे इनको काम ही कौन तो बा बठू मेरे दिमाग में मैं घरे आगे जोड़ी तो बा टाइप बनाई मैं क्यों मेरो मान राख्यो मारो मान राख्यो दिलू धन्यवाद है बेटा वो थे ब्याह खतर करी हाँ थे गर्गी लक्ष्मी भेजो तुम्हारे गर्गा भी देज खतर करी है ना क्या बात है थे भी गर्गी लक्ष्मी भेजो तुम्हारे गर्गा भी देज खतर करी है ना थे पूछा नहीं छोरो के करा है तो थे बेम में ना रही हो मैं भी ओम प्रकाश बागड़ा की तरह फरी है क्या बात है भाई क्या बात है भाई अरुण जी आप बहुत 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 अच्छी बात है बहुत प्यारी सी बात है कभी जो भी इंसिडेंट्स हुए नहीं भी रिलेटेड है और आपने जोड़ तोड़ के भी आके पीछे चार लाइना ले जोड़ के और भी अंदर शायरी बना दे और आइए एक कलाकार की एक असली पहचान हुआ है जो चीज़ा चाल बोक रहे नहीं वहाँ पर शायरी जरूर बनानी चाहिए तो वो जो 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 ये लाइना ही फ्री हैं अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई इस पर गाना भी बनया और आपने अरुण भाई साहब इस पर शायरी भी बनाई अच्छा अरुण भाई साहब एक मतलब जब आप आए आज करीबन करीबन 2000 फैन फॉलोइंग ही अब जो पिछलो अकाउंट जो ग्रोथ करने लग गए जो थे कहो आपने पहली शायरी वायरल हुई जदों ले गए अब तक कितना टाइम हो गया
वो स्टार्टिंग करी तो बिना मन लगा छह पाँच छह महीना हुआ है हाँ पाँच छह महीना। अच्छा दोस्तों आपने मतलब छहत्तर हूँ ले गए ओनली छहत्तर 76 हूँ ले गए और आज 55,000 तक छह पाँच छह महीना दोस्तों बहुत बड़ी बात है मेरे भाई सिर्फ छह महीना अंदर इतना ज्यादा अकाउंट रिच करवाओ ग्रोथ करवाओ। एक बात और बता दूं थाने कि बागड़ी बेल्ट के अंदर इतनी वायरल कॉमेडी किसी की को नहीं जितनी आपने अरुण भाई साहब की है। 18 मिलियन प्लस हो गए 1,80,00,000 नौ ज्यादा बार वीडियो देखी गई है और आपने बीच में दिखा भी देंगे और जरूर देखियो और अकाउंट भी देखियो। इतनी वायरल कोई भी किसी की भी बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर किसी की भी कॉमेडी वीडियो को नहीं जितनी अरुण भाई साहब की है। जो आपने वायरल हुई जो 18 मिलियन साल ली वह कौन सी है उसके पीछे भी थोड़ी कोई बात बताओ आपने किस टाइप में बाही तो इस टाइप मैं कोई वीडियो बनाने गयो पहला जाके इन ठाकर ने क्यों मैं क्यों भी यार वीडियो बनानी है और कोई कॉमेडी वीडियो को नहीं टाइम भी हो चुके हो सही है अपलोड करने को तो ओ का मैं तो पहला रोटी खाऊंगा आप बनाओ को नहीं मैंने गुस्सा आ गयो मैं छात पर गयो कन्ने चाचा को काम चालन ला रहे हो तो भट्टे मिस्त्री अभी मेरा अंकल ही है तो काम चालो तो भट जाके मैं बन बैठे हो पहला देखियो फिर मेरे दिमाग में आई मैं कह नहीं यार आप थोड़ा सा अच्छा अलग करा तो मैं बन समझाओ मैं क्यों मुझे अंकल एक वीडियो बनानी है तो बे मेरे धूप में केड़ा मैं थोड़ा उधर लगो मैं कैसी ला यार तेन तो और काम ही को नहीं हाँ तो हड़ा वीडियो बना माना काम ही सूझ रही है सही बात है तो बे मान गया मेरी बात थोड़ा सा कहते मैं कह चल ठे किए बनानी बता मैं कहते बैठना और मैं हाथ मिलाऊंगा थे आदमी हाँ ईंट मतलब मैं पहला ईंट थे ईंट मांगियो और जी मैं ईंट मांगू मैं हाथ मिला लूँगा थे देख कर फिर मेरे को थप्पड़ मार लो तो बिम पहला बनाई बिम तो बा मतलब नॉर्मल हाँ कनाको टपा दियो हाँ लागी को नहीं मैं क्यों नहीं अंकल मजो को नहीं हो थोड़ा सा रिएक्शन दियो यार मतलब यहाँ लागू चाहिए भी रियलिटी है बेकार ठीक है फिर मैं पूरा रिएक्शन ही दूंगा और मैंने कौन जाना भी है मकसद के हो बांगो रिएक्शन भी हकीकत में बात चीज करेगा भाई। अच्छा। तो मैं तो मतलब कंटेंट के हिसाबू बैठो मैं नीचे ईंट पकड़ी और बा हाँ बा ईंट लगा कर जी हाथ करो मैं हाथ में ला दियो वहाँ सच्ची मार दी फाट दे घड़ी में करवा सी नेकर भी सल्टा दे बस बस सही लगी वो सप सिर में सप बंद वो भी उतर गयो हाँ तो मैं ये मतलब चमको भी हो मैं कहीं और मारेगा अरे बार रियल में लगी बीती गई फिर मैं इसी खातर कह रहा तू रियलिटी लगनी चाहिए रियलिटी में लागी 18 मिलियन रियलिटी में लागी क्या बात है भाई बहुत जबरदस्त बात है। एक इंसिडेंस हो अपने जो सच्चो इंसिडेंस हो उसके अंदर जो की थोड़ी सी सच्चाई डली और बस सच्चाई उस वीडियो ने 18 मिलियन प्लस अभी वीडियो ने पहुंचा दी बहुत भयंकर वायरल ही। अच्छा उसके अलावा अरुण भाई साहब अभी हाल फिलहाल आप के काम करने लाने पढ़ाई लिखाई के अंदर काम धंधा के अंदर के कुछ चला नहीं स्टडी तो बीए फाइनल कर चुके हूँ मैं तो अब घर का भी क्या है जी हाँ कभी पढ़ाई तो क्योंकि घर का अंडर हुआ बंदा के सिस्टम है के काम हो कामयाब हो सी को नहीं हो सी तो बे क्या भी तू स्टडी स्टार्ट रहा कर तो घरे भी जी अपने कोई काम धंधो है थोड़ा बहुत वो कर लिया खेती को भी कर लिया तो पापा की जी शॉप वगैरह बम्पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो स्टडी भी अब देखो साग साग स्टार्टिंग है और इन चीज़ में तो हाँ भी ज़्यादा 100% तो इन चीज़ में ज़्यादा हाँ अरे एक भैया अरुण भाई साहब आप ये चार बंदा ने हमेशा सागर देखा अपने प्रिंस भाई साहब है काफ़ी टाइम हो मैंने ध्यान को नहीं भी कितना साल हूँ थे साथ में पर पिछले साल दो साल हूँ देखने ला रहे हैं हर एक जगह प्रिंस भाई साहब भी अपने डेनी लेके जावे तो डेनी को अपना स्वभाव किस हो किस टाइप का आदमी है अपने मतलब इनको स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया स्वभाव है हालांकि वह बात है कि एक टारगेट करने वाला बंदो हुआ है तो हमारे खातर वही बंदो मैंने अगर कोई जानो है जो अगर कोई मेरे लेनी है तो जी अगर मैं चार बैठा नहीं तो अगर मैं रे भी ले भी ली भी हाँ अपना काम फिक्स है तो मानिया लगे को अधूरू है वो काम पहला बिन बीच में लेना जरूरी है बिंगे और राय लेनी जरूरी है मतलब हमारे काम में सब पहला बिंगी राय है वो अगर डन कर दी तो हमारे वो काम क्यों क्योंकि डेनिन में प्रिंस के साथ बहुत बार देखे हूँ क्योंकि लगभग हर एक प्रोग्राम के अंदर जी अंकित गोदार और अपने धर्मी पावे भी अपने डेनी अपने प्रिंस हमेशा सागे हर एक जगह देखने मिले तो आई बात है भी कहना मतलब क्या हिसाब किताब हूँ अपने सागे रहे अभी वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा डेनी आपने करे करे कि शायरी शुरी करे करोगे डेनी ना भाई जी शायरी कौन करा मैं प्राइवेट जॉब करूँ एयरफोर्स के अंदर बस हाँ भाई यंग सागा जिसा बिसा सागा सही है सही पहली वीडियो ही जका बंदा खड़े है नी बे आज तक मौजूद है सागे क्या बात है एक बंदो को नहीं वो तो डेरी को काम करे वो को नहीं काम बिजी है यहाँ तो को नहीं मतलब हाँ काम बिजी है दोस्त भी बेची हम कहेंगे यार दोस्त है शादी की बात बदल जाए मारो वो भी कंपिंग शादी हुई है पीछे
तो वो शादी के बाद भी आज मारे सागे खड़े है वो। हाँ एक काम करो बा मजबूरी का बात है, हाँ बा बात तो वही है, लेकिन वो आज भी बिन फोन कर दिया नहीं। अब बिन ध्यान को नहीं थारू भी मार कर इंटरव्यू आने लाए रहे, बिन में बताया कौन काम तो काम है यार, फिर आपा तो जी घर आप तो वो काम पर है, अगर बिन ध्यान वो आप ही जानते हो ठीक है। तो हाँ वो भी खड़े हो रहे बरोबर रहे वो हमारा बिन नाम भी रमेश अटिल है। अच्छा डेनी भाई साहब जी की सवाल तो लगभग सेम सा ही रहे हर बारी, पर एक बात पूछना चाहूँ मैं भी, कहने का मतलब है अभी प्रिंस हरी लाइन है शायरी की है, ठाकुर हरी अपनी लाइन है शायरी हरी, आपकी कॉमेडी हरी है, इसमें भी आपने हेट दिखने मिलेगी कमेंट कमेंट के अंदर भी हेट फैलाने वाला बंदा नेगेटिव बंदा देखने मिला आपने? हाँ बहुत है जी, मतलब बने बे मेन मकसद वो ये है बन यू मतलब को नहीं अभी अगर बंदो बात के कहने लग रहे है, जाहिर बात है क्योंकि बांग समझ तो आओ कौन बात है। मेरी एक वीडियो ही भी सारे देवी देवता तो शुक्र है भगवान को ब्याज आपने मतलब जो भारत में है चाहे राजस्थान में है तो आपनों वो मान है एक बड़ो भी आठी आगे बस है चाहे है भी आपनों कोई जोर थोड़ी हो बी टाइम आपा कोई धरती पर थोड़ी है भी उसका तो बारे भी उसका विदेश में भी उसका तो बीम पर एक जिया कॉमेडी हुई बा मैं मतलब करी भी वो तो शुक्र है सारा देवताओं को जो मतलब वो तो शुक्र है मतलब सारा देवी देवताओं जो को राजस्थान में आके बसया नहीं तो लुगाइयों के भरोसो आगे दे जालो ब्रिजिक दोक बोल के नहीं कनाडा तो, हाँ सही बात है बा मिलियन में गई मेरी वीडियो तो बीम पर एक दो कमेंट आया भाई तू तो कह भगवान को देवता ने कह टारगेट कर ला है जो भी है कह तू तो धर्म को वो करे बार यहाँ पूछना लो है भी इन अंदर मैं धर्म को के कुछ कर रहा है। सही बात है। एक चीज और अरुण भाई साहब अपने एक बात बताऊं भी कहने को मतलब इन अंदर देवता टारगेट हो या लुगाइयां टारगेट हो ये पहले यहाँ तो समझ लियो आ चीज भी है समझी को नहीं अपने ठाकुर साहब आई तो बात है समझे को नहीं बिना दिमाग लगा जकांग सोच है बट तक सोच जाए बस अभी तक सीमित है बस बिल्कुल अरुण भाई साहब आपने कहने को मतलब फादर साहब अरुण पिताजी मेरे साथ ही आया कहने लग जाएगा बेटा मैं तो काम कुम करूं और आपने अरुण खातर कहा कि अरुण तो वीडियो वाडियो बनाओ है कि सो काम है तू समझाई तो मैं तो बाने समझा दियो मैं भी टोके करो ना छोरे ने मैं तो बाने समझा दियो पर वहाँ बा एक बात बताई मैंने बीच में बात क्लियर करना चाहूँगा आपके नू वहाँ मैंने यहाँ कहो कि अरुण को रिश्ता आया और भी रिलेटेड कोई फोटो फाटू भेजी तो वो के इंसिडेंट्स हो वो आने जो भाई तो वो यहाँ हो कोई पड़ोस में हो जहाँ बे कह भी अगर गरगा मन में तो वही भी यार छोड़ो मोटो है तो इनको रिश्तों वगैरह शादी वगैरह भी सिस्टम तो करें तो कोई हाँ पड़ोस में बेका भी छोरा रिश्तों करवा दिया मम्मी और बेका भी करवा दो तो देखो तो वहाँ बात कर ली बेका भी छोरा पहला फोटो भेज दियो मैं बट फोटो दिखा देंगा के टाइप तो बने फोन तो मैं मेरे ऊपर प्राणी दे दियो तो पापा का फोन है भी मैं मेरी फोटो पड़ी पहला कोई बेचस्मा वगैरह पहला हो या चश्मा हाँ तो पापा का भी फोटो भेज दे तेरी मैं क्यों मैं तो कौन भेजूँ एक शादी वगैरह करनी को नहीं मैंने कहा तेरा फोटो भेजने में कैसा है तू भेज तो सही आपने देखने में कैसा एक बार भेज दे मैं भी फोटो मैं चल ठीक है मैं भी बिना टाइम खड़े खड़े दो फोटो है चश्मा वाली भाई दोनों भेज दी भाई दोनों फोटो भेजी तो भेजता ही भाई अगला बाँ देखी बाँ देख के बे कह भी मन तो क्यों को नहीं घरे फोन करो पापा ने कह भी आ के फोटो भेजिए थे बे कह किया कभी अगर ये छोरे फोटो दिखा दी बे कि छोरे तो आँख बनवाई दी पहला मैंने आई हंसी आ बात मम्मी की मैंने कहा कि तैं फोटो भेज दी बे कह छोरे आँख बनवाई दी है मैंने हंसी आई फिर बा मैं बिम्पर एक शायरी करी तो बा जहाँ रिश्ते वाली बात यहाँ हुई तो मैं बिम्पर फिर एक कॉमेडी बनाई मैं क्यों मसाई तो मांग तोड़ गई एक रिश्त आयो है तो बे कह भी छोरा फोटो भेजो मैं मिथुन चक्रवर्ती बन गई काली चश्मा दो फोटो भेज दी बे फोटो देखते ही क्या छोरे तो आंख बनवाई दी है हाँ तो फिर बाहर रिश्तों कैंसिल कर आप बात सच्ची है हाँ सच्ची है यही बात है भी जो रियल इंसिडेंट्स पर अपने अरुण भाई साहब में एक अच्छो टैलेंट है और मतलब बहुत कम कलाकार है जी में वो टैलेंट हुआ है कि जो रियल इंसिडेंट्स हो अभी पर भी किया जोड़ तोड़ के कोई ना कोई मड़ा दे वीडियो और बहुत अच्छी बात है अभी हाल फिलहाल तो मैं थान 20 दिन भी आप बात कही इतना छोटो सो गांव है सिद्धू वाले की इसकी खुद की पंचायत भी कोनी भाई साहब और इसके अंदर इतना सही लेवल का कलाकार उठने लग रहा है प्रिंस जखेटी अपना 1 लाख प्लस अपने फॉलोवर हैं आप और भाई साहब का अपने 55,000 प्लस फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम की बहुत जबरदस्त जबरदस्त और उम्मीद करा कि नेक्स्ट टाइम अपने ठाकुर साहब भी अपने एक अच्छी फैन फॉलोइंग क्रिएट करे और उम्मीद करा कि नेक्स्ट इंटरव्यू अपना ठाकुर साहब की हो तो गांव गाँव किशोक माहौल है कहने मतलब किसी के रिस्पॉन्स आने लग रही है नहीं गाँव का बढ़िया सपोर्ट भी करे अब बात को नहीं सपोर्ट कौन करे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करे लेकिन वह बात हुआ है कि सारा नहीं लगे भी एक बार तो यार जितना ही कोई सिस्टम ना हो नहीं भी साहब सारा नहीं लगे भी फालतू फिरे हो फालतू फिरे ना ठीक तो हुआ है कई बंदा हुआ है बमू गिणवा चुनवा है लेकिन कौन सपोर्ट करे
बीच जो बंद हन कोनी हां हां लेकिन होवे तो 90 टाइम ईसा तो होवे यार सारे भी होवे सारे ही होवे ईसा ईसा बांगी तो अपन दो चार आंगी बन अपन नजरअंदाज भी करना चाहिए। अच्छा उसके अलावा अपने केने मतलब सोर्स ऑफ इनकम बनन लाग्यो के हो अपने इंस्टाग्राम नहीं बिया कोई प्रमोशन का भी बन जाए लेकिन अभी फिलहाल गड़ी में तो कोई फिलहाल बाको नहीं कि कहने मतलब तई अपन इन्हें वो कर सका अभी अब कुछ बता सका कि कदी आज तो आज मैं ना अपन वो मकसद गोनी पीसाण तो ठीक है हो गयो वो बात एक अलग है लेकिन थोड़ो सो सिस्टम भी बनाना जरूरी है वो बना के फिर कोई बिल्कुल बिल्कुल ना सही बात है ऐसा हो जाओ लेकिन एक बार मेहनत पर बिल्कुल मेहनत पर जोर है हाल फिलहाल पर अपना जो कंटेंट है उस पर कंटेंट पर जोर है क्या बात है बहुत बाद में कोई पीसा तो बे कह जो टारगेट के पीछे वाको बाकी सिस्टम अपने आप चला क्या बात है क्या बात है बहुत जबरदस्त बात की है। इसके अलावा भी आपने अरुण भाई साहब एक दो और शायरी आने दे और भी बाद में आप इंटरव्यू और आगे बढ़ावांगा तो एक शायरी ही जिया मतलब बाबी रियलिटी बात है हाँ हाँ तो कोई अंकल हो मारा अमली अंकल है या अमली जहाँ हो गाँव में एक दो मिल लीजिए तो बाई घटना हुई कि भाई जहाँ आपका साड़ा ब्याह में गया तो बैठ जाके बे जहाँ एक मतलब बटाऊ जो है बिंग रोब अभी हाँ मैं रोब मरूँ जाके मेरे ससुराल में रोब मरूँ मैं जाके तो बे मैं जहाँ ठंड को टाइम हो तप्पन ला रहे दोई पर बा मैंने बात बताई मैं बैठ सुनो ला रही भाई चुपचाप बे का मैं जाके मेरे साड़ा ब्याह में रोब मार दियो और मतलब बा शायद केटा के झूठ बोली सच बोली जो भी हुई लेकिन मैं भी मेरे कॉमेडी शायरी कर दी तो भाई तरीका ही भाई जाके ललकर मार दी कह साड़ा ब्याह में बा जाके ललकर मारी मैं कहते मेरे स्वभाव जानो कोनी मेरा एक फोन ऊपर जिलो वाला है दारू लो तो कोई ब्रांड लो नहीं तो यार ये खप गल है क्या बात कहते मेरा स्वभाव जानो कोनी मेरे एक फोन ऊपर जिलो वाला है दारू लो तो कोई ब्रांड लो नहीं तो यार ये खप गल है इतनी बात सुन के बे मैंने थोड़ी अंग्रेज में ले गया बढ़ जाए दो तीन गम सारा बेगा तो घर की सी बात है अपने तो लाल डकी चाल है तो एक ही जिया मतलब घरे काम चालू तो प्रिंस ने मैं बुलायो मैं क्या यार गोलियों वगैरह घेरना है तू आ भाई तो वो कह चल ठीक आ जाएगा आ काम करवायो गोलियों घेर दियो लास्ट टाइम मैं मजाक करने खातर पी टाइम तो मैंने कह देना वो मैंने कह मैं क्या यार तू किन जाओ है वो कह नहीं मैं घरे जाऊँ भाई रात होगी गोलियों घेर दियो अटके करना मैं कहता जानो को नहीं मुगो तू कर ए भांडा ए दोनों ने बड़े पठल पठल मुगो ए दोगे फिर जाई न ओ का क्यों कोई दाड़ियो आईडो के मैं सही बात है का दाड़ियो थोड़ी आईडो यार मैं तो दोस्ती करनो काम कराना है तो भी फिर मैं बनाइए क्या मैं क्यों मैं तो भाईचारा काम कराना हूँ तू मैं दाड़ियो समझ रखे के क्या मैं तो भाईचारा काम कराना हूँ तू मैंने दाड़ियो समझ रखे के बेटी का बाप दिन का को डांगर तेरे बर्तन ला रहे तू मैंने ब्यारियो समझ रखे बोलना पड़े कदी भी क्या फरीकिया ही बना सके आई बात है ठाकुर साहब ना जाइजे जाइजे मैं भाई साहब मैं तो हिसाब ही करने लाग रही हूँ और आवेगी नहीं तो आवेगी वही चीज को डर भी लगे ठाकुर साहब आपने भी कोई शायरी आन दो क्या मार साहब पैसा ना लड़ा तेरे जिंदगी उजड़ देगी मार तो की कौन जानो है तू ही गेम में आयो है तेरे यार ही गेम में प्राणो है और फिर भी तेरे कोई बेम है तो मिला भी फोन है तेनी अलग जी को ज्यादा खानो है क्या बात है 3600 खानी तो इसी आवे तड़कती भड़कती आग लगानती आवे आऊ तो प्यार मोहब्बत की तो उम्मीद करी कौन सका ना तो शायरी कहानी हूँ ना बातें कहानी क्या बात है ये तो जो अपने धर्मी को जो मारकन तो है नहीं आगे खड़े रहने खातर अपने अश्वनी है तो आगे खड़े करने खातर अपना ठाकर है भाई जायज बात है होना भी चाहिए भाई साहब हर एक ग्रुप के अंदर हर एक गैंग के अंदर एक ही सौ बंदो वही है सारी सारी चीज़ें की जरूरत है ठीक है भाई इसके सारी बियर की बोतलों के बीच में एक माजारो भी होना चाहिए वह चीज़ भी जरूरी है तो हर चीज़ है अनु भाई साहब अपने कोई गानों गुणों कोई अलग प्लेटफॉर्म पर अलग कोई प्रोजेक्ट को प्लान है कोई हाँ मतलब तैयारी तो मेरी प्रिंस की सागी चलने ला रही है मतलब सॉन्ग वगैरह सागी तैयारी करा तो अभी पीछे हारमोनियम भी ले गया सागे दोनों मिल गए तो जो भी है सिस्टम चलने ला रही है एक बार तो कराँगा सॉन्ग भी एक दो सॉन्ग भी लिख रखे हैं मैं तो एक बार तो प्रिंस को प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए बाद में देखा है बिल्कुल थोड़ा सा
सही है अपने भाई साहब, बहुत बहुत दोस्तों मैं थाने बात बता दूं कि बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत भाई चारों भाई सागर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अपना छोटो सो गांव है सिद्धू वाला, और उसके अंदर अपना प्रिंस काम करने लाग रही है, बहुत ज़बरदस्त नाम है, 1,00,009 ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम जारी है। प्रिंस भाई साहब को जल्दी गाणों भी आना रहे, साथ में अपना आज देसी यार अरुण भाई साहब तैयार है, करीबन करीबन 55,000 ज़्यादा फैन फॉलोइंग तैयार है। और सागे ही आपने उम्मीद करा कि अपना ठाकुर 3600 को भी अगर अकाउंट रिच करे, ग्रोथ करे, क्योंकि साइडियम तो बहुत दम है, वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम ही सहयोग कौन करने लाग रहे हो, तो आपने आई बात है भाई साहब, साइडियम तो बहुत दम है भाई। तो आज अपने सागे अरुण भाई साहब है, अरुण भाई साहब आप इतनी गर्मी के अंदर काम छोड़ गए, सही में भाई साहब मैं दिलूँ रिस्पेक्ट है भाई की, क्योंकि खेत में लाग रहे मेरे खातर इंटरव्यू लेने खातर आए हूँ मैं, इन खातर काम छोड़ के और बीच में आया, दिलूँ रिस्पेक्ट है अरुण भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इतना कीमती समय में, आपका कीमती समय में मार खातर टीम निकल गया। थारो भी धन्यवाद भाई जी, थे मार खातर इतनी दूर चला गया हो, ये तो बाकी आजकल कौन कितो सोचा के है यार, ठीक है इतना है फ्लोर नॉर्मली बात है, मतलब 50,000 तो बाकी नहीं, मतलब अगर गर्ल्स का होगा नहीं तो कोई रिस्पॉन्स को नहीं, आज मिलियंस मिलियंस में बैठे हैं तो बांगो भी कोई तो को नहीं, लेकिन थे मार खातर 50,000 खातर इतना चल गए हो, तो थारो भी दिलो धन्यवाद। एक बात और बताऊँ अरुण भाई साहब, 50,000 खातर चलाए को नहीं, मैं टैलेंट खातर और कंटेंट खातर चला गया हो, जो टैलेंट है नहीं और जो थारो कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज एक साल पहले अपने प्रिंस भाई साहब का 20-22,000 जद भी आए हो, क्यों, क्योंकि कंटेंट में दम हो प्रिंस भाई साहब का, आज थारे कंटेंट में दम है ई खातर आया, और जिसका कंटेंट में दम हो वो नहीं भी घर तक पहुँचागा, और उम्मीद करांगा उस बंदे ने आगे जावा उसकी जानकारी देवा, नहीं लिप सिंह करना रहा तो घर घर आंटता फिर है। बात सही है, थारली बात सही है। तो थे अब कल एक साल में हो, आगे छह छह महीनों में, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ अब इन लाइन में बहुत आर्टिस्ट आने लग रहे हैं, दूसरी बात बात करा बागड़ी भाषा की, एक दूसरे को सारा सपोर्ट बढ़िया करने लग रहा है, बहुत आगे तक लेके जा, अब साल पहला तो की कोनी हो, बहुत कम आ, अब तो जिग्या जिग्या हो रही है, अपनी भाषा ना अगले जान लग रही है। बिल्कुल ले जानी भी चाहिए, और जी अरुण भाई साहब कहो साल हुआ अब का मैं उम्मीद करा छह छह महीना हुआ, वो जाहिर बात है, और बिल्कुल आवांगा भी, और अब कह चाहवा कि डेनी भी तैयार हुआ, ठाकुर भी तैयार हुआ, और भी आस पास में गाँव में कोई हुआ तो मैं बंदा हुआ आवांगा को नहीं, मैं मजबूर कर देंगा था ना, पड़ेगा जाने, क्या बात है ना, बिल्कुल आवांगा भाई साहब, बिल्कुल मजबूर हो गया वहाँ, अच्छो भी लगे, टैलेंट खींच के लिया हुआ है। और ओ भाई साहब को जो बागड़ी के अंदर जो काम है, कॉमेडी के अंदर काम है, बहुत भयंकर काम है, जो एक्टिंग है वह कायल हो जाऊंगा देख के, सही में बहुत भयंकर एक्टिंग करे, और असलियत में देखो तो यहाँ लगे सीरियस है, पर वीडियो के अंदर देखो तो सही में प्योरली फुल वाइब आओगी एक एक्टिंग करने की, कॉमेडी वीडियो की बहुत ज़बरदस्त है, और सारों जो वायरल वीडियो है वह 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 पार है बागड़ी बेल्ट के अंदर, बताइए इसी कण भी वीडियो कौन दी, और ये कणी दी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और मेरा सारा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंस भाई साहब, ठाकुर साहब, डैनी, अरुण भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज टाइम निकालियो, और दोस्तों इसी हिसाब अपने इस सफर के अंदर और वीडियोज़ ले आता रहे, जो अपनी फील्ड में नेक्स्ट लेवल काम करने लग रहे हो, फिर एक नई वीडियो के सागे, एक नए सफर के सागे, एक नए इंसान के साथ मिलांगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।